कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप किसी सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाएं, क्योंकि सांप होते ही खतरनाक है, तो इनसे डरना तो बनता है। और ये डर थोड़ा और बढ़ सकता है जब आप इन सांपों को देखेंगे जिन्हें हमने इस वीडियो में बताया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक मांबा, इस सांप का नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक बार में 100 से लेकर 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है, जिससे किसी की भी मात्र 10 मिनट के अंदर मौत पक्की है। ये सांप आज की हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है, क्योंकि इसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है, और इस तरह से ये सांप दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सांप बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन है, तो अंत तक बने रहिए, उसके बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा। इतना लंबा होने के साथ साथ इसका वजन 1.6 किलोग्राम के आसपास होता है, जिससे कि यह सांप दिखने में और भी खतरनाक हो जाता है। आमतौर पर ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाता है। इस सांप को चिड़िया खाना बहुत पसंद होता है, और मौका मिलते ही यह उसका शिकार करने से कभी नहीं चूकता। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, इस सांप को कॉमन ब्राउन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप की लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 7 फीट का यह सांप किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा लंबा होता है। ये सांप ज्यादातर घने जंगलों में रहना पसंद करता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक इस दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप होता है, और इसका अंदाजा आप यूं ही लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुई कुल स्नेक बाइट डेथ में से 60% डेथ इसी सांप के काटने से होती है। ये सांप काफी आक्रामक होते हैं, और मौका मिलने पर ये हमला जरूर करते हैं। और तो और, ये सांप कई बार अपने से बड़े जानवरों को शिकार करने से भी पीछे नहीं हटता। ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा या कॉमन एनाकोंडा नाम का यह सांप साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबे और भारी सांपों में से एक है, लेकिन शुक्र की बात तो यह है कि यह नॉन वेनमस है, इसका मतलब यह सांप जहरीला नहीं होता। इस सांप की लंबाई 9 फीट से लेकर 17 फीट तक हो सकती है, और इसका वजन 30 से लेकर 70 किलो के आसपास होता है। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि यह सांप कितना भारी भरकम और खतरनाक हो सकता है। अपने इतने भारी भरकम शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए यह सांप किसी भी जीव का शिकार करने से पीछे नहीं हटता, और कई बार तो ये अपने से भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है, और इसके चक्कर में कई बार इसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ईस्टर्न इंडिगो स्नेक, ये अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप है, और आमतौर पर यह नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है। इस सांप का मैट ब्लैक कलर इसे देखने में काफी खूबसूरत और खतरनाक बना देता है। इस सांप के मुंह के नीचे की तरफ रेडिश ऑरेंज कलर होता है। ये सांप 9 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, और इसका वजन 1 किलो से लेकर 4.5 किलो तक पहुंच जाता है। इस सांप में मेल और फीमेल की लंबाई में काफी फर्क होता है, और इसकी फीमेल मेल के मुकाबले कम लंबी होती है। येलो एनाकोंडा, ये सांप इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ग्रीन एनाकोंडा की तरह यह जहरीला नहीं होता, और ये भी अपने शिकार के ऊपर लिपटकर उसे दबाकर मार देता है। इस सांप की लंबाई 10 फीट से लेकर 15 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। आमतौर पर इसका वजन 25 से 35 किलो के बीच होता है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज 55 किलो तक भारी हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक ये सांप 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है, जो कि वाकई अमेजिंग है। अब ये सांप आपको हर कहीं तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई सा भी सांप हो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, वरना इसका खामियाजा हमें अपनी जान देकर भी भुगतना पड़ सकता है। अब इससे पहले कि कोई सांप तुम्हें दिखे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।